दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। अगर आप भी अपने घर के लिए ढूंढ रहे हैं एक प्लांटर तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इको फेंडर के प्लांटर का, जिसे मैंने अमेजोन से मंगवाया था। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के अंदर आता है ये इको फेंडर का प्लांटर। एक बार इसे पैकेजिंग से बाहर निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसे पैकेजिंग से बाहर निकाल दिया, कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो मैंने तो ये सोचा था कि इसका साइज काफी बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं अपने हाथ पर इसको रख के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि करीबन इतना इसका साइज है, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि चौड़ाई इसकी काफी ठीक ठाक है। और नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक बेस मिल जाता है। एक चीज मुझे जो इसके अंदर थोड़ी सी कमी लगी, अगर आप इसमें डायरेक्ट मिट्टी भर के पौधा लगाना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको नीचे होल नहीं मिलता है जिससे कि पानी को पास किया जा सके। तो आप कर क्या सकते हैं कि आप नॉर्मल एक पॉट के अंदर पौधा लगा सकते हैं और उस पॉट को इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर लुक वाइज दिखाऊं तो लुक वाइज देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। इस तरफ से आपको दिखा सकता हूं, तो थोड़ा और पास से मैं दिखा दूं। तो अगर आप अपने घर पर इसको सजाने के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा लुक देता है। अब एक बार इसके अंदर मैं आपको पौधा रख के दिखा देता हूं। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये सेट ऑफ वन और सेट ऑफ टू में भी आता है। तो मैंने इसके सेट ऑफ टू मंगवाए थे, तो एक ये है और एक जिसमें मैंने प्लांटर लगा दिया उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सेट ऑफ टू आपको 499 रुपीस का अमेजोन पर मिलता है, सेट ऑफ वन आपको 179 रुपीस का मिलता है। आप चाहें तो रेट्स वगैरह जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर मेटल की क्वालिटी की बात करूं तो मेटल की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम थोड़ा दबाते हैं तो एकदम से दब जाता है, थोड़ा सा ठोस ये लगता है, यानी कि काफी स्टर्डी है, लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको इसके अंदर एक बारी प्लांट को रख के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि रखने के बाद किस तरीके का लुक आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्लांटर के अंदर मैंने जो प्लांट है उसको रख दिया, वो किस तरीके से देखने में लुक आता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी आप इसको सजाने के लिए भी रखते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का बैकग्राउंड है, और यहाँ पे मैंने इसको रखा है गोल्डन कलर होने की वजह से काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, काफी ज्यादा प्रीमियम आइटम ये लगती है। और थोड़ा और पास से मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लुक आता है प्लांट को इसके अंदर रखने के बाद। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप भी अपने घर को सजाने का शौक रखते हैं तो उस केस में आप इसको मंगवा सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।